हिंदुस्तान में रहने वाली स्त्री और पुरुष, पति और पत्नी दोनों ने एक दूसरे के डिपार्टमेंट को बांट लेना चाहिए। पति का डिपार्टमेंट है पैसा कमाना, घर चलाना, घर चलाने के लिए सारे पैसे देना, जितनी ज़रूरत हो बच्चों के फील के लिए, घर चलाने के सारी ज़रूरत पूरी करना, बाहर के जो व्यवहार है वो सब के लिए। यह डिपार्टमेंट पति का है, पत्नी ने कोई दखल करने की ज़रूरत नहीं है। कितने लाए, कहाँ से लाए, कैसे लाए, कब लाए, किसको दिए, मुझे कितने दिए, बच्चे कितने, कहाँ ज़्यादा खर्च कर दिया, ये सब ज़्यादा दखल करने की ज़रूरत नहीं है। और पति, अभी दोनों हस्बैंड वाइफ इतने प्रेम से साथ में रहते हैं, फिर इतने साल के बाद तो मालूम रहता है कि कोई सब गलत रास्ते से तो खर्च नहीं करते हैं। हाँ, कोई गलत रास्ते से खर्च करने वाला रहा तो प्रश्न है, तो फिर अलग बात है, लेकिन अच्छी तरह से एक दूसरे को पहचानते फिर दखल करने की क्या ज़रूरत है। और पत्नी ने अपने घर के बारे में संभालना चाहिए, बच्चों के बारे में, घर के बारे में, घर के खर्च के बारे में। पति ने पत्नी की बात में बिल्कुल दखल ना करना चाहिए। दोनों का डिपार्टमेंट अलग है, एक फॉरेन डिपार्टमेंट, एक होम डिपार्टमेंट। होम डिपार्टमेंट में पति ने कुछ दखल करने की ज़रूरत नहीं है, और फॉरेन डिपार्टमेंट में पति के डिपार्टमेंट में पत्नी ने कुछ दखल करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों के बारे में पति ने कुछ ज़्यादा दखल करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बच्चे बड़े हो जाने के बाद, 16 साल के हो जाने के बाद पत्नी को बोलना कि अगर यदि कुछ प्रॉब्लम आए बच्चों को हैंडल करने में और मेरी ज़रूरत लगे तो बेशक मुझे पूछना, मेरी मदद लेना, मैं तैयार हूँ। नहीं तो आपसे अच्छा चल रहा है तो चलने दो, बच्चों को संभालती हो तो संभालो, और कहीं आपको ज़रूरत है तो बताओ। हाँ, हमारा आपको पिता एज ए फादर, आपने अपने बच्चों को प्रेम देना, पिता की सारी फर्ज अदा करना, दखल नहीं करना। तू क्यों नहीं संभालती बच्चों को, ऐसा करती हूँ, पढ़ाई में ध्यान नहीं देती, न वैसा करती हूँ, न वैसा, ऐसा बोलने की ज़रूरत नहीं है। उसका नहीं देखना, वो खुब ना कि कुछ तुझे ज़्यादा काम है पढ़ाई में, कुछ तुझे ध्यान देने का समय नहीं मिलता है तो कहे तो हम ट्यूशन रखें, जैसी तेरी मर्जी है, तू कहे वैसा करेंगे, ये तेरा डिपार्टमेंट है, यहाँ कुछ मदद की ज़रूरत है तो बोल मुझे। वो कहेगी नहीं, बच्चों को आप भी पढ़ाने लगो तो ठीक है, तो मुझे, मेरे पास जितना समय है वो बताता हूँ, इस हिसाब से एडजस्टमेंट करेंगे। और समय नहीं रहा तो कहेंगे भी नहीं समय नहीं है, इतने में मैं तो ज़्यादा कमा लूँगा ये समय में, और ज़्यादा कमाने से इतना अच्छा टीचर हम रख लेंगे तो जो अच्छा पढ़ सकेगा।